हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। सो गाइस, मैंने शॉपसी से कुछ प्रोडक्ट मंगवाए हैं और बहुत ही ज्यादा सस्ते में मंगवाए हैं। सो मैं आपके साथ वो सारा शेयर करूंगी एंड ज्यादा भी प्रोडक्ट नहीं है, थोड़ा ही प्रोडक्ट है। ये छोटा सा हॉल होने वाला है शॉपसी का। सो गाइस, मैंने दो साड़ी मंगवाया है जो कि एक है 199 रुपीज का एंड एक है 85 रुपीज का। एक और चीज मैंने मंगवाया है जो कि मैं सोच ही नहीं थी कि इतना अच्छा देगा, सो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड उसका जो क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा अच्छा दिया है, मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा हाई दिया है। एंड मैं तो सोची थी कि इतने पैसे में उतना अच्छा नहीं मिलेगा। सो वो प्रोडक्ट क्या है वो मैं बताऊंगी वीडियो के लास्ट में और आपके साथ शेयर करूंगी। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप सबसे पहले देखो। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो आप एक बार देख लेना। सो गाइस, अब चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैंने दो साड़ी मंगवाया जो कि एक 199 रुपीज का है और एक है 85 रुपीज का। सो गाइस, मैं आपके साथ शेयर करूंगी फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि है ये साड़ी, और मैंने गलती से दोनों साड़ी ब्लू कलर का ही मंगवा लिया है, मुझे तो याद ही नहीं था और मैंने दोनों ब्लू कलर में ही ऑर्डर कर दिया। ये है फर्स्ट साड़ी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंड ये है 199 रुपीज का। सो गाइस, ये है कुछ इस तरीके का कलर, इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड जिस तरीके का फोटो में दिया था उसी तरीके का शो कर रहा है। एंड आप देख सकते हैं इसका जो मटेरियल है वो जॉर्जेट मटेरियल है, बट देखने में ऐसे तो इसका प्रिंट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड कपड़े का क्वालिटी भी आपको देखने में लग रहा है कि उतना बेकार नहीं है। बट मैं आपको बता दूं कि इसका कपड़े का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से स्टिच किया हुआ है, बट आप अगर इसका प्राइस देखोगे तो उस मुताबिक ये काफी अच्छा है। एंड मैं आपको पूरा खोल करके दिखाती हूँ। गाइस, इसका जो लेंथ है वो भी काफी अच्छा लेंथ है। तो गाइस, इसमें कोई भी ब्लाउज पीस आपको रिसीव नहीं होता है एंड इसका जो मटेरियल है वो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। फैब्रिक इसका जॉर्जेट है बट जॉर्जेट में भी अजीब तरीके का इसका फैब्रिक है। तो इसका जो कपड़ा है वो सॉफ्ट है बट थोड़ा हैवी टाइप का है एंड इसी तरीके का प्रिंट आपको पूरे साड़ी में मिलता है। गाइस, मैं इसको पहन करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। नेक्स्ट जो साड़ी है वो है 85 रुपीज का और मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था कि 85 रुपीज में कोई साड़ी भी अच्छा आएगा और मैं तो सोच रही थी मेरे साथ तो स्कैम होने वाला है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी अच्छे और सस्ते प्राइस में मिला है मुझे। एंड आप जब उस साड़ी को देखिएगा ना तो आप फैन हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड उसका जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छा है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइस, ये है दूसरा प्रोडक्ट जो कि मैंने खोल लिया है ऑलरेडी एंड ये भी ब्लू कलर में ही है। तो ये है वो साड़ी जो कि 85 रुपीज का। सो गाइस, इसका जो कपड़े का क्वालिटी है वो भी बुरा नहीं है एंड शायद ये आर्ट सिल्क टाइप का कपड़ा है एंड बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, आपका कड़कड़ टाइप का जो साड़ी होता है वो उस टाइप का नहीं है। एंड मैं आपको खोल करके दिखाती हूँ। सो गाइस, ये है कुछ इस तरीके का साड़ी, नीचे में इस तरीके का आपको बॉर्डर मिलेगा एंड ऊपर साइड में आपको इस तरीके का बॉर्डर मिलेगा। एंड गाइस, ये जो बॉर्डर है वो पूरे साड़ी में है एंड इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है एंड बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो मुझे ये साड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। एंड आप 85 रुपीज में आप सोचो कि इतना अच्छा साड़ी दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि इतना अच्छा साड़ी देगा। एंड इसका लेंथ आप देख सकते हैं काफी ज्यादा लंबा भी है, ताकि आप अगर लंबे आदमी हो तो आपको प्रॉपर हो जाएगा। गाइज, ये जो एग्जैक्टली जो दिखा रहा था स्क्रीन पर इमेज एकदम सेम उसी तरीके का आया है एंड इसका क्वालिटी भी, कपड़े का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है एंड मैं तो सोच रही इसको कितने जल्दी से पहन लूं क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और मम्मी को भी ये साड़ी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्रिटी लग रहा है और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको पहन करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है साड़ी। Thank you.
मैंने आपको बताया था कि मैं एक प्रोडक्ट मंगवाई हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा आया है, मैं सोच ही नहीं थी कि उतना अच्छा आएगा। तो उसका जो प्राइस पड़ा है मुझे वो 247 रुपीज समथिंग लगा है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस पता नहीं है तो मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पर। सो गाइस ये जो प्रोडक्ट है ये भी मैंने शॉपसी से ही ऑर्डर किया था एंड ये प्रोडक्ट मैं सोची थी कि चलो ठीक देगा, बट मैं इतना नहीं सोची थी कि इतना अच्छा प्रोडक्ट देगा। सो ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आया है, इसलिए मैं ये प्रोडक्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है एक हेयर एक्सटेंशन, मैं हमेशा देवी लुक वगैरह करते रहती हूँ तो उसके लिए मुझे थोड़ा हैवी हेयर होना बहुत जरूरी है। जो बाल है वो थोड़ा सा थिन है तो मुझे थोड़ा हैवी लुक चाहिए रहता है, तो इसीलिए मैं सोची कि हेयर एक्सटेंशन मंगवा लूं। सो गाइस ये है वो हेयर एक्सटेंशन, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका शाइन कितना प्रिटी लग रहा है। जब इसको कैरी करती हूँ ना तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि ये मैंने एक्सटेंशन लगाए हुए हैं, एंड आप देख सकते हैं इसका लेंथ भी काफी अच्छा है एंड थोड़े से ये कर्ल टाइप के हैं। एंड मैंने ब्राउन कलर का मंगवाया है क्योंकि मेरे जो हेयर है वो प्रॉपर ब्लैक नहीं है, तो इसलिए मैंने अपने हेयर के मैचिंग का ये मैंने मंगवाया है। और इस तरीके का आपको क्लिप इधर मिल जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं, तो आपको इसमें इतने सारे क्लिप मिलेंगे जो आप अपने बाल में इसको अच्छे से लगा लो एंड आपके बाल को ये काफी अच्छा वॉल्यूम देता है एंड बहुत ज्यादा थिक बनाता है और देखने में बिल्कुल भी ये नकली बाल की तरह नहीं लग रहा है। ये एक्सटेंशन लगा करके आपको दिखाती हूँ। सो गाइस अब जैसा कि देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और मेरे बाल में कितना वॉल्यूम हो गया और मेरा बाल बहुत ज्यादा मोटा हो गया है। सो गाइस मेरे ओरिजिनल बाल के साथ ये मर्ज हो गया है और आप इस तरीके से लगा करके आप कॉम कर लो तो आपका जो बाल है वो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप कौन सा नकली लगाए हो और कौन सा असली लगा हुआ है। बट थोड़ा सा है कि ये थोड़ा सा ज्यादा शाइन कर रहा है, ये थोड़ा कम शाइन कर रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उतना पता नहीं चलेगा। मुझे तो ये हेयर एक्सटेंशन बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। आप अच्छा हेयर एक्सटेंशन लोगे तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, बहुत ज्यादा प्राइसी रहता है, तो आप ये वाला हेयर एक्सटेंशन लो बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड देखने में भी आपको नेचुरल टाइप का लगता है। सो गाइज मुझे तो अपने बालों से एकदम प्यार हो गया है और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो गाइज मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।